सौ ग्राम आमला पाउडर, 100 ग्राम शिकाकाई, 150 ग्राम रीठा, 150 ग्राम रीठा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अभी तो ये पका भी नहीं है, कितने झाग आ गए हैं कढ़ाई में। जब ये पक जाएगा तो कितने झाग आएंगे, बन जाएगा ना हर्बल शैम्पू। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। आज हम आपके बालों को लंबा, काला, घना, चमकदार, मुलायम बनाने के लिए बना रहे हैं हर्बल शैम्पू। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? हर्बल शैम्पू जो आपके बालों में लाएगा नई जान और चेहरे पे लाएगा मुस्कान। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चलिए बनाते हैं आप सबके बालों के लिए शानदार जानदार हर्बल शैम्पू। हमने शैम्पू बनाने के लिए खेत से बिटिया रानी को बेरी और नीम के पत्ते लाने के लिए भेजा है। ये बेरी का पेड़ है, देखो आप इसमें बेर भी आ रहे हैं, कितने छोटे छोटे बेर आ रहे हैं। खाने में बहुत बेरी बेर है जो खाने में खट्टे मीठे लगते हैं, मजा आ जाता है खाते हैं। तो आपको पेड़ पर बेर तो दिखाई दे रहे हुए हैं, कितने सारे बेर आ रहे हैं। हमने बेरी के पत्ते तोड़ लिए, अब हम नीम के पत्ते तोड़ेंगे। हम नीम की ताजी ताजी कोमल पत्तियां तोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने नीम के पत्ते तोड़ लिए हैं, इनका भी हम शैम्पू में इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं। ये हम अपने घर के खेत के पीछे आए थे, वहां पर ये नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते मिल गए हैं हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये गन्ने लग रहे हैं। वाह, गन्ना आपने कभी खाया है? मेरी बिटिया रानी खेत से नीम के और बेरी के पत्ते तोड़ लाई है शैम्पू बनाने के लिए। अब इन्हें 3 से 4 बार अच्छे से धो लेते हैं। अब टहनियों से पत्तों को अलग कर लेते हैं, नीम के पत्तों को टहनी से अलग कर लेते हैं। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए सामग्री हमने इस प्रकार ली है, 150 ग्राम रीठा, 100 ग्राम शिकाकाई, 100 ग्राम आमला पाउडर। हम आमला पाउडर ले रहे हैं शैम्पू बनाने के लिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप ताजा आमला भी ले सकते हैं, हम ताजा आमला नहीं ले रहे हैं। और ये है 75 ग्राम मेथी दाना, 2 मुट्ठी बेरी के पत्ते, 2 मुट्ठी नीम के पत्ते। अब बिटिया रानी रीठे से बीजों को निकाल लेती है। चलिए बिटिया, इनके बीज निकाल लो।
बिटिया रानी चाकू की मदद से रीठे के बीज को बाहर निकाल देती है। रीठा भी अच्छी क्वालिटी का लेना है, साफ सुथरा चमकदार, सभी चीजें अच्छी क्वालिटी की लेनी है। सीका काई खरीदते समय भी ध्यान देना है, वो घुन वाला ना हो, घुन लग जाता है सीका काई में। अगर आप बाजार से सूखा आमला खरीद रहे हैं तो ध्यान पूर्वक खरीदना है, फफूंद वाला आमला बिल्कुल नहीं लेना है। ये हमने घर पे ही बनाकर रख लिया है आमले का पाउडर, आप भी इसी तरह से सुखाकर आमले का पाउडर रख सकते हैं और सर्दियों के मौसम में ताजा आमला ले सकते हैं। रीठे के सभी बीजों को निकाल लिया है। अब इन सब चीजों को एक लोहे की कढ़ाई में गर्म पानी में भिगोकर रख देते हैं। दो दो मुट्ठी नीम और बेरी के पत्ते, 100 ग्राम आमला पाउडर, 100 ग्राम सीकाकाई, 150 ग्राम रीठा, 75 ग्राम मेथी दाना, 1 लीटर तेज गर्म पानी कर रखा है। अब इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। पानी हमें इतना डालना है ताकि ये सब चीज अच्छे से डूब जाए। ये 1.5 लीटर पानी हो चुका है, बिटिया रानी इसे अच्छे से मिक्स कर देती हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अभी तो ये पका भी नहीं है, कितने झाग आ गए हैं कढ़ाई में। जब ये पक जाएगा तो कितने झाग आएंगे, बन जाएगा ना हर्बल शैम्पू। अभी तो ये तुरंत का ही भीगा हुआ है, जब ये 24 घंटे में भीगेगा और जब हम इसे पकाएंगे तो कितने झाग आ जाएंगे, ये देखना अभी कितने झाग आ रहे हैं, तो बन जाएगा नया हर्बल शैम्पू। अब इसे हम 24 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं, फिर पकाएंगे। चौबीस घंटे हो चुके हैं, अब इन्हें हम चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कढ़ाई कितनी काली हो गई है, ये देखिए सीका काई रीठा मेथी काफी सॉफ्ट हो गई है, इनका सत भी निकल चुका है। और अच्छा सत निकालने के लिए इन्हें मिक्सी की सहायता से पीस लेते हैं। और अच्छे से सत निकालने के लिए इन्हें मिक्सी की सहायता से पीस लेते हैं, पत्तों का रस भी अच्छे से निकल जाएगा और हमारा शैम्पू बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए मिक्सी की सहायता से मेरी बिटिया पीस लेती है। अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, थोड़ा पानी डाल लेते हैं इसका। फ्रेंड्स ये देखिए ये अच्छे से पीस चुका है, इसी तरीके से हम और भी पीस लेते हैं। रानी ने सभी चीजों को अच्छे से पीस लिया है। फ्रेंड्स हम अब अंगीठी जला लेते हैं। अंगीठी में हम कंडे रख रहे हैं। अब ये लकड़ी का बुरुदा डाल देते हैं। अब हम थोड़ी सी लकड़ी भी रखेंगे इसमें। फ्रेंड्स अब यहां से लकड़ी उठा लेते हैं।
चूल्हे पर कढ़ाई रख देते हैं। थोड़ा सा बाउल में पानी डाल देते हैं। अब इसे धोकर भी डाल देते हैं। ये करीब आधा लीटर पानी है, इस पानी को भी हम इसमें डाल रहे हैं कढ़ाई में। फ्रेंड्स आधा लीटर पानी और डाल लेते हैं कढ़ाई में। बिटिया रानी कढ़ाई बदलनी पड़ेगी, झाग ज्यादा आ रहे हैं, कढ़ाई बदल लो। अब चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रख देते हैं। हमने कढ़ाई बदल दी है, बिटिया रानी से कहकर कढ़ाई बदलवा दी है। वो छोटी पड़ रही थी, बड़ी कढ़ाई रख दी है। ये देखिए झाग काफी है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए, तभी तो बनेगा हर्बल शैम्पू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सब देख रहे हैं ना झाग कितने अच्छे से आ रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना, लास्ट तक देखना है, तभी तो आप अच्छे से शैम्पू बना पाएंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे, तभी तो धीरे धीरे पकेगा और इसमें गुण आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ी वाली कढ़ाई भी झागों से भर चुकी है। देखिए इस शैम्पू में कितने झाग आ रहे हैं। इसका पानी पकते पकते आधा हो गया है, आपको भरी कढ़ाई दिख रही है ना, ये झाग है, ये शैम्पू के झाग है। पानी पकते हुए आधा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब ये बनकर तैयार है। अब आग को हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस शैम्पू को बनाने में हमने जो जो चीज डाली है, अभी प्रकृति की अद्भुत देन है, इन सबका हमें फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। जैसे आंवला बालों को काला करता है, सिकाकाई मैल को साफ करता है, रीठा बालों में झाग लाता है, चमकदार बनाता है, मेथी बालों को मुलायम करती है, और नीम डैंडअप को भगाता है, फंगस से दूर रखता है। शेष बचे बेरी के पत्ते। बेरी के पत्तों का तो जवाब ही नहीं है, ये आपके बालों को सिल्की करेगा, लंबे करेगा, ध्यान रखना है। ये दादी नानी के जमाने का नुस्खा है, इसे बनाकर देखना, जरूर बनाकर देखना। शैम्पू बनकर तैयार है, आग को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसे छानकर एक बोतल में भर लेंगे, फिर इसे बालों में लगाकर दिखाएंगे। बिटिया रानी आराम से रखना, हाथ मत जला लेना। ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब इसे एक चलनी की सहायता से छान लेते हैं। चलनी में घेर के रमचे से इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे ये आसानी से छन जाए। इसका मटेरियल ऊपर रह जाएगा और इसका सतसत नीचे आ जाएगा। अब इसे हम डबल फिल्टर कर लेते हैं, एक मैदा वाली चलनी से दोबारा छान लेते हैं। आप किसी सूती कपड़े से भी छान सकते हैं, हम मैदा वाली चलनी से छान रहे हैं।
इस तरह छानने से आपका शैम्पू बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा। आपके शैम्पू में कोई कण नहीं रहेगा और बालों में लगाने के लिए आसानी रहेगी और बाल भी आसानी से धुल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छे से छन गया है। ये देखिए, ये अच्छे से छन गया है, ये काफी स्मूथ हो गया है, ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा चिकना शैम्पू बन गया है। फ्रेंड्स, इस शैम्पू को अब हम एक कांच की बोतल में स्टोर करके रख देते हैं। बोतल के ऊपर एक कीप रख देते हैं। अब बिटिया रानी बोतल का ढक्कन लगा देती हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा शैम्पू मैं आपको अपने बालों में लगाकर दिखाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हर्बल शैम्पू बनकर तैयार है। शैम्पू बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही चमत्कारी गुणकारी बना है। ये बनाते बनाते हमारे हाथ काले हो गए हैं मेरी बिटिया रानी के। अब थोड़ा सा शैम्पू अपने बालों में लगाकर दिखाएंगी। अब ग्लव्स पहन लेती हैं। ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि बनाते बनाते ही हाथ काले हो गए हैं और शैम्पू लगाने से बालों में हाथ ज्यादा काले हो जाएंगे, इसलिए ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा शैम्पू ले लेते हैं। लगाओ बिटिया रानी। आप इस शैम्पू को एक बार बनाइए और महीना दो महीने तक आराम से लगाइए। जाड़ों के मौसम में हल्का गुनगुना कर लेना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है और ठंडे ताजे पानी से बालों को धो लेना है। इसे एक हफ्ते में दो बार लगाना है। शैम्पू को अच्छे से बालों में लगाना है और आधे घंटे के लिए बालों को छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद ताजे पानी से धो लेना है। अगर आपको सर्दी लग रही है और सर्दी का मौसम है, थोड़ा पानी गुनगुना कर लेना है, गुनगुने पानी से सिर को धो लेना है। हमने ये शैम्पू थोड़ा गाढ़ा बनाया है। अगर आपका शैम्पू किसी कारण से पतला बन जाए तो ध्यान रखना है, ये आंखों में नहीं जाना चाहिए। आंखों में बहुत तेज लगता है, इसलिए आंखों को बचा कर रखना है, माथे पे नहीं बहना है, इसी तरह का शैम्पू बनाना है। ये देखिए, बिटिया रानी ने बालों में अच्छे से लगा लिया है शैम्पू। अगर आप इस तरह का शैम्पू अपने घर पर बनाएं तो बाजार के केमिकल शैम्पू से बचकर रहना है, उसे यूज नहीं करना है। आप देखेंगे आपके बाल कुछ ही समय में लंबे काले घने हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सब भी इसी तरह से शैम्पू बनाना और अपने बालों में लगाना और लगाकर अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना। प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए आपका शैम्पू कैसा बना, भूलना नहीं, जरूर बताना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।